मध्य प्रदेश के रीवा में गांधी जयंती के शुभ अवसर पर सभी आधुनिक सुविधाओं से लैस 100 बेड का प्रार्थना हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर 100 बेड का शुभारंभ किया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि वरिष्ठ डॉक्टरों ने दीप प्रज्वलित कर गांधी जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर खनिजो मैडम के द्वारा फीता काटकर हॉस्पिटल को संचालित किया गया। आपको बता दें, ये कार्यक्रम में क्षेत्रीय वरिष्ठ पूर्व CMO डॉक्टर CB शुक्ला, डॉक्टर गीता बनर्जी, डॉक्टर सोनल अग्रवाल, हॉस्पिटल की डायरेक्टर रेणु सिंह मौजूद रही। न्यूरो सर्जरी, अस्थि रोग, लेप्रोस्कोपी सर्जन, गायनकोलॉजिस्ट, SN स्थिया रोग विशेषज्ञ ने मिलकर इस हॉस्पिटल का शुभारंभ किया। इस मौके पर डॉक्टर CV शुक्ला ने कहा कि रीवा वासियों के लिए सभी सुविधाओं से युक्त एक और नया हॉस्पिटल हमारे विंध्य क्षेत्र में मिला है, जो हमारे लिए बहुत गौरव की बात है। अनुपम जैन, मिसेस जैन और यहाँ पर उपस्थित सभी डॉक्टर एवं अन्य महानुभाव, मैं बहुत ही खुश हूँ क्योंकि इस अस्पताल का जो नाम दिया गया है प्रार्थना, प्रार्थना सब अपने आप में ये जाहिर करता है कि लोग कितने विनम्र हैं और डॉक्टर के लिए विनम्रता ही सब कुछ है। यदि डॉक्टर अपने को उस स्थिति में रखे कि यदि मैं अपने मरीज को लेके जाऊं किसी के डॉक्टर के पास तो हम कैसा एक्सपेक्टेशन उसे करते हैं, अगर वही भाव से वो मरीज को देखे तो निश्चित रूप से कोई भी प्रॉब्लम